नमस्कार दोस्तों, पिछले कुछ चुनावों से जो पार्टियां हैं वह इलेक्शन को जीतने के लिए चीज़ों को मुफ्त में बांटने की होड़ सी लग गई और सभी पार्टियां वोटर्स को फ्री में मतलब सब कुछ देना चाहती हैं, लेकिन वह आएगा तो जनता के पैसे से ही। तो उसी के बारे में बात करते हैं थोड़ी सी। चलिए शुरू करते हैं। पिछले इलेक्शन में एक पार्टी ने अनाउंसमेंट की कि अगर उनकी सरकार बनती है तो फ्री इलेक्ट्रिसिटी और फ्री वाटर मिलेगा। तो अगर अपन नॉर्मली बात करें, अगर अपन कोई चीज़ को पैसे देकर खरीदेंगे तो उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा रहेगी उसकी तुलना में जो कि हमें फ्री में मिलेगी। जैसे कोयला और पेट्रोलियम है तो वह भी अगले कुछ सालों में ख़त्म होने के कगार पर है, इसलिए पेट्रोल डीजल और LPG के जो प्राइजेस हैं वह आसमान छू रही हैं, इसलिए हम उनकी इम्पोर्टेंस समझते हैं और किसी भी तरह से उसे बेकार नहीं करते। इसी कैटेगरी में पानी और बिजली आते हैं। आज हमें पीने का पानी मिल रहा है, रोशनी के लिए इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, पर क्या ये रिन्यूएबल सोर्स है? नहीं। अर्थ पर अवेलेबल जल का मात्र 1% ही ह्यूमन यूज के लिए अवेलेबल है और ग्राउंड वाटर संकट किसी से छिपा नहीं। यानी जो पॉलिटिकल पार्टी मात्र इलेक्शन जीतने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज को मुफ्त में बांटने की अनाउंसमेंट कर रहे हैं, क्या वे वोटर्स को मुफ्त में पेट्रोल और डीजल और रसोई गैस देने का वादा कर सकते हैं, जिसकी वजह से महंगाई ने गरीब की कमर तोड़ रखी है? जबकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर वैट कम करके स्टेट गवर्नमेंट महंगाई पर कुछ लगाम लगा सकते हैं और गरीबों को मदद कर सकते हैं, पर उसके बारे में ना तो सेंट्रल सरकार सोचती है और ना ही स्टेट गवर्नमेंट सोचती है। वोटर्स को समझना होगा कि मुफ्त बांटने वाले सामान की कीमत आम जनता को ही चुकानी होगी। मुफ्त की राजनीति की हवा निकालने के लिए एक बार वोटर्स को लाइन में आकर ऐसी पार्टीज़ को आईना दिखाना होगा जो देश के नेचुरल रिसोर्सेज को मुफ्त की राजनीति में तबाह कर देना चाहते हैं। तो अब आपको समझ में आया होगा कि जो हमें फ्री में चीज़ें गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती हैं उसकी जो वसूली है तो वह तो जनता से ही करेगी। गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आएगा? जनता का ही पैसा तो गवर्नमेंट के पास आएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और जो फ्री की पॉलिटिक्स है वो थोड़ी बहुत आपको समझ में आई होगी। और अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।